मेरा नाम सीमा है सर। मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज्यादा चाहती हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इनसे शादी करती हूँ। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह। यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान में किस जगह से आप आए हैं? मैं कराची रहती थी। तो जेल में कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं, उनको जैसे पता पड़ा मैं पाकिस्तान से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए, और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए, और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। तो अभी आप बता रहे थे आपने गंगा स्नान जाएंगे, क्या मतलब किस हाँ, लिए वैसे जाएंगे तो आप? मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी, जो भी मुझे कहा जाएगा वो करके मैं पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी, आप बच्चों के सचिन को साथ। कितने समय से जानती थी? 3 साल से आप सचिन से 3 साल से प्रेम जी करते थे? हाँ, बहुत ज्यादा, और इनके बगैर मैं नहीं रह सकती, ना इनके यहाँ ना परिवार वहाँ। वाले उन्होंने क्या कह रहे हैं? तो मुझे एस्केप कर लिया, स्वीकार कर लिया जो उन्होंने। आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या आपकी तरफ नजरिया है? वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं? आपको कैसे सम्मान के रूप में दे रहे हैं, या किस तरीके से आपको एक बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं, किस तरीके से? वैसे तो बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं, पर मुझे आस पास के लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पति और मेरे पापा मम्मी वो मेरे साथ हैं, नहीं, जैसे तो लोग मुझे मिले बाकी तो लोगों से कोई उन्होंने फर्क नहीं उन्होंने पड़ता कैसा सर। आपको? वैसे तो अच्छा रहे, मुझे बेटी माना है सबने यहाँ पे, और जिनको फर्क पड़ता भी है तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति मेरे